नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गमेर और आप देख रहे हैं टेक मेमोरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल पर सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लेकिन आज अपन आए हैं यहां पर। देखिए आप, ये सोलर लगे हुए हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो सोलर नीचे गिरे हुए हैं। तो इसका आज रीजन पूछने वाला है कि ये सोलर किस कंपनी ने लगाए हैं और ये क्यों गिरे हैं। तो बात करते हैं हम। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। अच्छा सर, बताइए ये आप कब लगाए और क्या दिक्कत हुई जिसके कारण ये सोलर गिरे हैं? सर, ये 2 साल पहले लगाए थे मैंने। जी सर। और आंधी की वजह से टूट गए हैं जी, और मैंने डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिया था अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद से। इंस्टॉलमेंट भी हमने यहीं से लोकली करवाया था इसका। अच्छा अच्छा। पर इंस्टॉलमेंट सही नहीं हुआ या कुछ और ही कारण है, इस वजह से डैमेज हुआ। अच्छा, तो आप सिर्फ यानी कि प्रोडक्ट वहाँ से लाए अहमदाबाद से? हाँ, प्रोडक्ट और लोकली इंस्टॉलेशन करवाया। लोकली। अच्छा, मतलब कितना साल हो गया? 2 साल। 2 साल। अच्छा, कितना खर्चा दिया था इसका? मैंने कम से कम 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख में सिर्फ पैनल है ये? हाँ, पैनल। और स्ट्रक्चर का अलग? ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर 3 लाख। देखिए आप, ऑल ओवर यहाँ पर 3 लाख का खर्चा दिया गया है। और कितना किलोवाट है सर ये? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट के सोलर लगाए हैं जिसमें 2 साल में ही ये हालत हो गई है। यानी कि कंपनियां किस तरह लूटते ही वो आप देखिए। सर एक चीज और बताइए, आप ये खर्चे का मतलब इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग से दिया ना? हाँ, इंस्टॉलेशन का खर्चा। कितना खर्चा हुआ था? वो 10-12 हजार रूपए। लेबर। हाँ, मतलब 3.5 लाख का खर्चा हुआ है लगभग। और ये गिर गए हैं। और इधर आप देखिए, ये पॉली टेक्नोलॉजी के हैं, ये पूरे पॉली टेक्नोलॉजी के। इधर देखिए आप, पॉली है ये पूरे। ये जो अगर इसके अंदर के सेल के अंदर क्रॉस होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो वो अलग चीज हो जाएगी, मोनो हो जाएगा। आप ये इंस्टॉलेशन इस तरह कर रखा है, आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा ढांचा नीचे गिर गया है। गिरने के कारण देख लीजिए आप। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे इंस्टॉलेशन कर रखा है। ये देखिए आप, ये मतलब ये थोड़ा सा मतलब सिविल वर्क किया है सिर्फ इसमें, बस ये इतना सा, और पूरा का पूरा ढांचा ये अलग है। न कि इन्होंने खुदाई की है, खुदाई करने के बाद इसके यहाँ पर पार्टीशन बनता है, पार्टीशन के बाद इसके यहाँ पर पूरा लेंटर भरा जाता है, उसके बाद में यहाँ से पूरे फिट होते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे इनके जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही घटिया स्ट्रक्चर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा मजबूत स्ट्रक्चर हो वही लगाना है। इधर आप देखेंगे कि पैनल की क्वालिटी भी बहुत घटिया पैनल की क्वालिटी है। ये 2 साल पहले लगाए हैं। इधर आप देख रहे हैं ये इनके जंक्शन बॉक्स है, तो जंक्शन बॉक्स भी बहुत ही घटिया लग रहे हैं मेरे को, यानी कि पूरा घटिया माल ही लगा दिया है। तो इस तरह आप ध्यान रखें। ट्रीना सोलर कंपनी है ये, देखिए आप, 250 वाट का ये सोलर है और 5 किलोवाट में इन्होंने 20 पैनल लगा रखे हैं यहाँ पर। सर ये इनमें क्या प्रोसेस है, इसके क्या? ये चालू का है, ये अच्छा, बंद का है, ये इसका जो फ्रिक्वेंसी है अप डाउन करने का है। अच्छा अच्छा। ये रेंज वगैरह ये सारा सिर्फ डाटा वगैरह पूरा सेटअप होके फिर ये चालू होता है। बस यही लगाए या फिर और कोई इन्वर्टर वगैरह लगाए? नहीं, बस यही है, बस इसी से हो रहा है। आपकी मोटर डीसी या एसी? ये एसी है, एसी मोटर है। देखिए ये जो सोलर है ये यहाँ पर लगे हुए थे और जैसे ही आंधी आई, एक ही आंधी में यहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा गिर गया है। और देखिए आप, ये पूरा का पूरा पैनल यहाँ पर गिर गए हैं। ये देख लीजिए आप, पूरे के पूरे इसमें काफी नुकसान हुआ है, ये पैनल टूट भी गए हैं। और इस तरफ देखिए आप, ये पूरे के पूरे इनका जो स्ट्रक्चर के लेग है वो भी काफी मतलब हल्के लग रहे हैं। और देखिए किस कंपनी के हैं, ये एशियन कंपनी के हैं, लेकिन काफी हल्के स्ट्रक्चर है। और इधर आप देखेंगे तो सारे टूट गए हैं एक ही बार में। देखिए आप, ये यहाँ से टूट गए हैं और सोलर पैनल तो बिल्कुल टूट गया है, ये इनके सेल भी निकलने लग गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके वारंटी के। सर इनकी वारंटी कितने दी है आपको? 5 साल की वारंटी थी सर और इंश्योरेंस था प्लस। अच्छा, तो अब ये टूट गए तो वापस अब आप कैसे पता कर सकते हो इन कंपनी का क्या करना है? जिन्होंने मुझे दिलवाया था वो भी कहाँ है मेरे को ही नहीं पता है। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक आपको कोई बिल बिल भी दिया? नहीं, बिल भी नहीं है मेरे पास। बिल भी नहीं दिया है। देखिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी सोलर आप खरीदें तो पहला काम है आपका बिल लेना। सर आप भी अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कभी भी आप सोलर चाहे मेरे से खरीद रहे हो चाहे किसी से भी खरीद रहे हो, तो फर्स्ट काम रहेगा आपका बिल लेना है। ठीक है, और बिल भी मतलब भी जीएसटी होना चाहिए और ओरिजिनल बिल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपन को। उसके बाद में वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड के बाद में जो बंदा आपको दिला रहा है
उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, आपने को जिस कंपनी ने दिया है सोलर उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मेरा पैनल कहीं किसी तरह से खराब हो गया तो उसके बाद मैं वारंटी का क्लेम कैसे कर पाऊंगा। तो ये चीज हमेशा अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब अपन चलते हैं, इन्होंने एक कंपनी का और खरीदा है आपने, तो वो किस कंपनी का है वो अपन देखते हैं। वो जैन कंपनी। अच्छा, जैन कंपनी का, तो चलिए वहां पर देखते हैं वो कैसा है। देखिए आप यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, काफी अच्छे स्ट्रक्चर है और जीआई के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सर इनको कितना टाइम हुआ लगाया ना? इसको भी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ना। ये किस कंपनी के हैं? ये जैन कंपनी का। जैन कंपनी है। जैन कंपनी यहाँ राजस्थान की लोकल है या फिर बाहर की है? ये भी नहीं, ये भी होगी तो बाहर की है। हाँ। यहाँ मेरे आरसीएन कंपनी के मित्र हैं, उन्होंने लगवाया था। जो उन्होंने एजेंसी ले रखी है उसकी ले रखी है। हाँ हाँ। और सब्सिडी पे इसको दिलवाया था मेरे को। सब्सिडी कितनी मिली आपको? 60%। अच्छा, तो पहले मतलब ये मोटर है किससे चलती थी? वो डीजल से चलती? हाँ, पहले जनरेटर लगा रखा था हमने, पूरी बिलाई जनरेटर से करते थे, उसके बाद ये हमने सोलर पैनल लिया। अच्छा अच्छा, जनरेटर से बाद इसमें। तो देखिए जो वो ये कुसुम योजना चल रही थी उसमें ही इन्होंने लिया है, तो 60% इनको सब्सिडी मिली है। सर सब्सिडी कैसे मिली आपको? खाते में आई या फिर ऑटोमेटिक कट के? ऑटोमेटिक कट के आई थी, हमने 1,30,000 रूपए डिपोजिट कराए थे बस। आपको सिर्फ 1,30,000 रूपए देने पड़े और सारा आ गया? सारा आ गया। तो सिर्फ सोलर है या फिर मोटर भी? नहीं, है मोटर, रस्सी, केबल वगैरह, टोटल टोटल 1,30,000 में टोटल पैकेज आ गया जी। देखिए आप वहां पर अपन ने देखे थे 3,00,000 रूपए इन्होंने दिए हैं, उसके बाद भी सोलर की ये हालत हो गई है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 1,30,000 में जो राजस्थान के जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसके थ्रू है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अच्छा लगा मेरे को, ये फर्स्ट बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि बहुत अच्छा ये कुसुम योजना के अंदर है और सब्सिडी इनको मिली है। सर सब्सिडी के लिए आपको क्या दौड़ा दाम करनी पड़ी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा मेरे को, इजी वे में काम हो गया। इजी वे में हो गया, बहुत इजी वे में। अच्छा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़े आपको? खाता नकल लगानी पड़ी और जो आधार कार्ड वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट होने वाली वो लगाने पड़े थे। ये अपने खाता नकल और ये फोटो वगैरह, मतलब जो एड्रेस प्रूफ वगैरह? हाँ, एड्रेस प्रूफ वगैरह। और 10,000 रूपए का डीडी देना पड़ा मिले। अभी देख लीजिए, अभी बारिश हो रही है इधर, आप देख लीजिए पूरा मौसम, आप देख लीजिए बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। तो ये सोलर पैनल अभी चल रहे हैं या नहीं वो चेक करेंगे। और इधर आप देख लीजिए, ये पॉली टेक्नोलॉजी के सोलर ही है, आप देख लीजिए ये पूरे, वो भी पॉली है और ये भी पॉली है। तो चलिए अपन एक बार इनका इन्वर्टर है वहां पर जाके देख लेते हैं कि ये सोलर अभी चालू है या नहीं। देखिए अभी ये जैन सोलर कंपनी का है और ये कंट्रोलर लगा हुआ है और अभी आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा शुरू है, यानी कि कितनी बारिश हो रही है, बारिश के बाद भी अभी सोलर बिजली बना रहा है। जैसे पंप चालू करेंगे तो पंप शुरू होना आ जाएगा, पानी का लेवल कम है तो भी वो यहाँ पर बता देगा। देखिए इसी के साथ में एक और अच्छा सिस्टम लगा मेरे को, सोलर पंप रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो डायरेक्टली जो कंपनी है वहीं से ये डायरेक्ट रिमोट कर पाते हैं कि अभी यहाँ पर ये सोलर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें एक सिम डाली जाती है और एक मेमोरी भी डाली जाती है जिसमें डेटा स्टोरेज भी होता है, कितना क्या इसमें वोल्टेज वगैरह मिला बना है। अभी आप देख रहे होंगे जो पैनल है उसका वोल्टेज 222 वोल्टेज बन रहा है और पैनल का करंट बन रहा है 0.64 एम्पियर, पावर 138 और आरपीएम 1056 यानी कि आरपीएम से मोटर की ये है। उसके बाद में पावर, मेमोरी कार्ड बिजी है या नहीं है वो सब कुछ इसमें बता देता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है या नहीं है, जो सिम है उसके नेटवर्क कनेक्टिविटी है या नहीं है वो यहाँ बताएगा और इसके बाद में कनेक्टिविटी। उसी के साथ में यहाँ पर जैन सोलर पंप डेटा लॉगर, इसका जो लोगो भी लगा हुआ है और इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। ये चीज अच्छी लगी है मेरे को कि इन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह दे रखे हैं। वो जो ट्रिना सोलर कंपनी है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दे रखा है वहां पर, ना तो टोल फ्री नंबर है, कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर कभी भी कुछ भी हो जाए तो आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर पाओगे। तो अच्छा है जैन सोलर कंपनी। इस तरफ आएंगे तो आपको एमसीबी कनेक्टिविटी है, यानी कि पूरा कंट्रोलर रिमोट सिस्टम पूरा सही व्यवस्थित तरीके से काम कर रखा है यहाँ पर। देखिए इस टेक्नोलॉजी से अगर सोलर लगेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, यानी कि पूरे के पूरे इस साइड एक सेट इधर हो गया, एक सेट इधर हो गया और एक सेट उधर हो गया, पूरा इस टेक्नोलॉजी से लगना चाहिए। ये जो तार बंदी कर रखी है वो भी जैन कंपनी ने ही तार बंदी की है।
देखिए एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सोलर पैनल है उनके सफाई के लिए आप घर पे ही जुगाड़ बना सकते हैं। इस जुगाड़ का मात्र 100 रुपए का खर्चा है, सिर्फ आपको ये जो अपन लोकल जो सफाई करने के लिए जो है वो आपको लेना है ये वाईफायर की तरह, और इसको आपको बांस से अटैच कर लेना है, और आपको जैसे ये पैनल है तो इसको आपको ऐसे घुमाना है बस ऐसे पूरा। ये आपको सप्ताह में एक दिन तो आपको सफाई करनी ही होगी, जितनी आपकी पैनल की सफाई रहेगी उतना ही करंट ज्यादा बनेगा यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा ऐसे आपको सफाई कर सकते हैं। जब इस पर डस्ट रहेगी तो आपका सोलर पैनल है वो करंट कम जनरेट करेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सोलर पैनल पर कभी भी डस्ट नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ में हाइड्रोलिक हैंडल लगा हुआ है जिससे सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरफ मूव हो गया है, जिस तरफ सूरज है उस तरफ देखिए आप, पूरा का पूरा इधर मूव हो गया है। बहुत ही इजी है, सिर्फ इसको घुमाना है और ऐसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर इस साइड आ चुका है आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके हैं और ऐसी ही जानकारी आप लेते रहें। और आपके कोई भी कमेंट हो यानी कि कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कमेंट कर सकते हैं हमें, उसका आपको 24 आवर्स में आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी सभी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेस्ट हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका वीडियो बना के दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।